ओके स्टूडेंट, तो देखिए आपके सामने जो सवाल है ये क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड टू नंबर सच दैट देयर अर्थमेटिक मीन इज़ 15 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज़ 9 विदाउट यूजिंग द आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को यूज़ किए बिना आपको कह रहा है कि दो नंबर हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा क्वेश्चन, लेट द नंबर्स बी, लेट द टू नंबर्स बी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ये दो नंबर हमने ले लिए। अब क्या दे रखा है, गिवन अर्थमेटिक मीन ए एम इक्वल्स टू 15, मीन्स ए प्लस बी इक्वल्स टू 15। अपन को ए प्लस बी इक्वल्स टू 15 दे रखा है। सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन 9 दे रखा है, गिवन एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ए एम जो होता है ए प्लस बी बाई टू होता है, तो ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू 15। दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी इक्वल टू 15 टू जा 30। क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा? हाँ सर। अब दूसरा कंडीशन दिया है, गिवन ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू 9 एंड यू नो ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर का होता है, अंडर रूट ए बी इक्वल्स टू 9। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ए इंटू बी इक्वल्स टू कितना हो गया 81, इक्वेशन नंबर 2। अब कह रहा हमें इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल नहीं करना है, तो हम और क्या यूज़ कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं ए और बी को फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक ना? या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना करें तो एक और तरीका है मेरे पास। आइए, दो इक्वेशन हमारे पास हैं और हमको क्या फाइंड करने हैं, नंबर्स फाइंड करने हैं ए और बी। तो यहाँ से मेरे पास बी की वैल्यू कितनी आएगी, 30 माइनस ए, ठीक है ना? तो मैं सॉल्व करता हूँ आगे, तो मैं लिखूँगा बाई वन बी इक्वल्स टू 30 माइनस ए और पुट इन सेकेंड, मैं सेकेंड इक्वेशन पुट कर रहा हूँ, तो ए और बी की जगह 30 माइनस ए इक्वल्स टू 81, सो इट इज़ 30 ए माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 81। ए स्क्वायर को राइट साइड में लेके आइए, ए स्क्वायर माइनस 30 ए और प्लस 81 इक्वल्स टू 0। क्लियर है श्योर? ए स्क्वायर माइनस 30 ए प्लस 81 इक्वल टू 0, ये आ चुका है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर प्लस 81, सम करने पर माइनस 30, सो ए स्क्वायर द नंबर विल बी 27 एंड 3, 27 गुणे 3, 27 और 3 का जो मल्टीप्लाई होता है वो 81 होता है और सम हो जाएगा माइनस 30, तो 27 ए माइनस 3 ए प्लस 81 इक्वल टू 0, ए कॉमन ए माइनस 27 बचेगा यहाँ, माइनस 3 कॉमन ए माइनस 27 इक्वल टू 0, ए माइनस 27 इंटू ए माइनस 3 इक्वल टू 0, ए इक्वल्स टू 27, ए इक्वल्स टू 3। वेन एवर ए इक्वल्स टू 27, सो बी इक्वल टू 30 माइनस ए, मीन्स 30 माइनस 27 इक्वल टू 3, ठीक है ना? और वेन एवर ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 30 माइनस 3, यानी कि बी इक्वल टू 27। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, बोलिए नॉट क्लियर कि क्लियर? ओके, सो ए इक्वल्स टू 3 है तो बी इक्वल्स टू 27 है, और जब ए इक्वल्स टू 27 है तो बी इक्वल टू 3। क्लियर? तो इसका जो आंसर बनेगा इस तरीके से, वेन एवर ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 27, वेन एवर ए इक्वल्स टू 27 बी इक्वल टू 3। हमने कहीं पर भी इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया। क्लियर है बेटा? ओके, चलिए सॉल्व करिए, इसको नोट करिए। चलिए देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए इंटू ए टू द पावर 1/2 इंटू ए की पावर 1/4 इंटू ए की पावर 1/8 अप टू डॉट 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 एट इनफिनाइट टर्म्स,
तो ये क्या लिखा हुआ देखिए, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है a की पावर 1 है इंटू ए की पावर 1/2 इंटू ए की पावर 1/4 इंटू ए की पावर 1/8 डॉट 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 अप टू इन्फाइनाइट टर्म्स। आपको पता है बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती हैं, होती हैं कि नहीं होती हैं? यस सर। तो 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 अप टू कितने टर्म्स हैं? इन्फाइनाइट टर्म्स हैं। ए की पावर में देखिए ध्यान से 1 + 1/2 क्या है, ये 1/2 का स्क्वायर है, क्या है ये 1/2 का क्यूब है, मतलब साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर एक जीपी बन रही है और जीपी के इन्फाइनाइट टर्म्स का सम दे रखा है, दे रखा कि नहीं दे रखा? तो यदि मैं इसको ए की पावर एक्स मान लूँ तो मुझे सेपरेटली एक्स को सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ एक्स इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 ये 1/2 का स्क्वायर ही है, वो 1/4 मतलब 1/2 का स्क्वायर, 1/2 और 1/2 का होल स्क्वायर मीन्स 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब। तो श्योर ये जीपी बन रही है जिसमें फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो जो है 1/2 है। आपको पता है कि जीपी के इन्फाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है, बताओ बेटा क्या होता है जीपी के इन्फाइनाइट टर्म्स का सम? भूल गए हैं, ओके, ए अपॉन 1 - r जीपी के इन्फाइनाइट टर्म्स तक का सम होता है ए अपॉन 1 - r। तो एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए की जगह कितना है 1 है और 1 - r की जगह 1/2 है, तो 1 / 1/2 हो जाएगा और पलट करके 1 × 2 योर आंसर विल बी 2। तो बेटा इस कंप्लीट सीरीज का टर्म कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या था, ए टू द पावर एक्स, ओके, सो आंसर आएगा ए टू द पावर 2। तो ये देखिए प्रूव हो चुका है ए की पावर 2, क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर।